भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करना देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा की नींव हैं और काफी लंबे समय से वे भाजपा के साथ जुड़े हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारत वर्ष के लिए गौरव का विषय है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया। जनसंघ के समय से वो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में लगे हुए थे और आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें भी उनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता कदापि। तो इसको देखते हुए अगर उनको आज भारत रत्न का पुरस्कार मिल रहा है तो ये गौरवपूर्ण क्षण है। इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा कि इतने वरिष्ठ नेता को, जो कि पार्टी की नींव है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की धरोहर है, उनको इस सम्मान से नवाजा जा रहा है।